और आवाम हो जाएं तैयार पेट्रोल बहरान के लिए, क्योंकि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन एक मरतबा फिर अपने मुतालबात मनवाने के लिए मैदान में आ गई हैं। 23 अक्टूबर को पंजाब भर में हड़ताल की कॉल दे डाली है। आपको बताएं कि आवाम पेट्रोल बहरान के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन एक मरतबा फिर अपने मुतालबात मनवाने के लिए मैदान में आ गई है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे अवैस क्यानी से। अवैस, बताइएगा एक बार फिर से ये हड़ताल का ऐलान किया गया है और अपने मुतालबात मनवाने के लिए ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने ये धमकी दे डाली है। जी बिल्कुल महविश, ये धमकी भी है और बगैर तौर पर एक ऐलान भी है। और इस दफा कोई ओगरा के मुतालबात नहीं है, लॉरिस के मामला नहीं है, बल्कि ये 18% GST का इतलाक है जो कि तमाम सूबों की तरफ से हुआ हुआ है। लेकिन तमाम सूबों ने बाशमूल बलोचिस्तान का जो सिंध और स्पेशल तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से वापस ले लिया गया था, लेकिन 18% GST अब भी लागू है पंजाब की तरफ से और पंजाब वो नोटिफिकेशन वापस नहीं ले रहा, जिस पर ये हड़ताल की कॉल दी गई है। और 15 डिपोज बताए जा रहे हैं जिनको तेल की सप्लाई मुअत्तल हो जाएगी, और स्पेशल तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा गिलगित और जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की आवाम भी इससे मुतासर होंगी। और आवाम को यह मुतासर करें कि इस जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जो हड़ताल होगी, ये हड़ताल की कॉल ऑनर एसोसिएशन की तरफ से दी गई है, और उन्होंने बकायदा तौर पर बताया गया है कि सोमवार को वो इस पर जो है मुख्तलिफ डिपोज के बाद जो है ये अपने जो है एहतियात रिकॉर्ड करवाएंगे और कोई भी लॉरी नहीं चलेगी। उनका ये मुतालबा है कि जब तक जो पंजाब हुकूमत 18% जो GST जो लागू किया गया ये वापस नहीं लेगी, उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी और अब सिर्फ पंजाब हुकूमत रहेगी जिससे 18% GST जो है वो वापस लेना।